Assalamu alaikum viewers, this is Mahnoor Umar and you're watching your favorite show Bujo to Jito. आज जो हमने लोकेशन चूज की है वो है लिबर्टी मार्केट, जहाँ पर बड़े खूबसूरत लोग आए हुए हैं जिनसे करेंगे हम मजेदार बातें, उनसे बूझेंगे हम पहेलियाँ, कुछ सवालात करेंगे. कपल्स मिल गए तो उनसे करेंगे उनकी बातें कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है. ये सारी बातें आज होने वाली हैं. उससे पहले मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ. कुछ हमारे कॉमन सेंस के सवाल हैं जो कि हम आपसे करेंगे, आपके लिए भी सवाल हैं और यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए भी सवाल हैं. तो सवाल हमारा ये है कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं, तो सोचे इसका जवाब क्या हो सकता है. दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा बैंक है जहां पर पैसे नहीं रखे जा सकते, कौन सा ऐसा बैंक हो सकता है जहां पर पैसे नहीं रखे जा सकते. सोचे ज़रा दिमाग को जलाएं कि इसका जवाब क्या हो सकता है. आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ, लोगों से करेंगे हम मज़ेदार सवालात. तो आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वस्सलाम. क्या नाम है आपका? अजहर. अजहर क्या करते हैं? मैट्रिक. मैट्रिक करते हैं? मैट्रिक कर रहे हैं. मैट्रिक कर रहा हूँ. कर रहे हैं. अच्छा, लाहौर से? मैं लाहौर से हूँ. लाहौर से हैं. अच्छा, चलिए सवाल कर लूँ आपसे. जी कर लो. सवाल हमारा ये है कि चाइना के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों खाते हैं? पाकिस्तान के लोग चाइना क्यों खाते हैं? जापान. सवाल नहीं सुना आपने. सवाल मेरा ये है कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं इसका नहीं बता. नहीं बता? नहीं, नहीं. सोचें. नहीं, मैंने मैंने देखा आप अक्सर लिबर्टी में पाए जाते हैं. या कुछ करते हैं आप? ये वैसे शौक है लिबर्टी घूमने का? वैसे मैं आया था अभी घूमने. अच्छा, वैसे घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए? नहीं, वैसे मैं आया था अभी ना. वैसे ही आए थे. कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जी. गाना क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे. शाम से पहले आना, धूप सारे खिल उठे हो. शाम से पहले आना, धूप सारे खिल उठे हैं. धूप सारे खिल उठे हैं. मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना. धूप सारे खिल उठे हैं. धूप सारे खिल उठे हैं. मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना. एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से. जीवन मेरा सारा तेरा, दूर फिर क्या जाना है. शाम से पहले आना. धूप सारे खिल उठे हो. धूप सारे खिल उठे हो. मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना. धूप सारे खिल उठे हैं. धूप सारे खिल उठे हैं. मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना. चलें, बहुत आपने अच्छी कोशिश की है गाना गाने की. टंग ट्विस्टर करवाऊँ आप? जी करवा लें. आपने बोला है ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड. 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 चलें, कोशिश अच्छी है. लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर ये लेता है. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, आपने देखा कि गाना इन्होंने गाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं आपको अच्छा लगा होगा या नहीं. आगे बढ़ते हैं लिबर्टी में और लोगों से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? निमरा सईद. निमरा. आपका? सबीन सईद. आपका क्या नाम है? सीजे फातिमा. जनरल मोहम्मद इस्माइल महमूद. इतना लंबा नाम. ये सारे बच्चे आपके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, माशाल्लाह. और ये छोटी बेटी का क्या नाम है? का नाम है शानूर. शानूर, बड़े खूबसूरत नाम आपने रखे हुए हैं. तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड ऑफिस. और आप शॉपिंग में बच्चों को लेके निकले? बिल्कुल. सवाल करूँ आपसे? जी कर सकते. सवाल हमारा ये है, उसके बाद मैं बच्चों की तरफ आऊँगी. आप बड़े हैं तो आपसे ज़रा बड़ों वाला सवाल करते हैं. मुझे ये बताएंगे वो कौन सा सा बैंक है जहाँ पे पैसे नहीं रखे जा सकते? नहीं लेकर जा सकते. पैसे नहीं रखे जा सकते. सवाल कर लेती हूँ. चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं? क्यों ज्यादा खाते हैं? कॉमन सेंस का सवाल है, जरा सोचने वाला. नहीं. नो. नहीं. अच्छा, आप मुझे बताओ बेटा, क्या सुनाओगे?
ये अपने बाबा को एक सॉन्ग सुनाएंगी। सॉन्ग सुनाएंगी जी? सुनाए, चलें सुनाए, ये ले माइक पर सुनाओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। वेरी गुड, ये आपने अपने बाबा को डेडिकेट किया है। अच्छे लगते हैं आपको? जी बहुत अच्छे लगते हैं, बाबा की फेवरेट है। जी बिल्कुल, ये तीनों तीनों फेवरेट हैं। अच्छा आप, अच्छा आप क्या सुनाओगी? मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ट्विंकल। ओके सर। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the sky was so high, like a diamond in the sky. Very good, जी clapping करें इनके लिए। चलें, इधर आ जाएं, जरा साथ साथ आ जाएं। साथ आप क्या सुनाएंगे? प्यारे बाबा, अच्छे बाबा, तुम मुझको इतना क्यों आते हो? प्यारे बाबा, अच्छे बाबा। उनको, वो दुबई में है इस टाइम, तो उनको बहुत मिस करता है, उनके लिए ये कह रहा है ये। ठीक है, तो आप खाना बना लेती हैं? हाँ जी, मैं हाउस बनाती हूँ, बिरयानी, कढ़ाई। अच्छा, तो क्या? और घर वालों को मोस्टली पसंद है। सही सही, तो आपके पास कोई रेसिपी है जो आप शेयर करें हमारी जो खवातीन व्यूअर्स हैं? हाँ, बस ये दिल से पकाएं, वो सब बच्चा ही बनेगा। कभी कभी नहीं भी बनता? नहीं, जब आप खलूस से और प्यार से बनाएंगे तो कभी कुछ गलत जान नहीं छुड़वानी चाहिए। अच्छे से बनाना चाहिए तो सबको वो पसंद भी। आपको घर का कौन सा काम करना अच्छा लगता है? मुझे सब काम खुद से कर, कुकिंग, कुकिंग अच्छी लगती है। तो हस्बैंड को आपकी क्या पसंद है? उन्हें सब चीज़ें पसंद है। सब चीज़ें पसंद है, तो वो अभी वैसे लाहौर में आपके साथ ही? जी लाहौर में ही है, जॉब करते हैं वो। तो इस टाइम वो ऑफिस में है, तो मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ इन्हें लेकर इधर। शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी स्टार्ट किया, स्टार्ट करनी है। चले, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर। ये जी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़े प्यारे बच्चे थे जिनसे हमने बात की। बच्चे ने अपनी फादर जो है उनको गाना डेडिकेट किया। इसी तरह बड़े प्यारे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं क्राउड में, और भी लोग हैं, चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ। आपका? उरूज। उरूज, और आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, आपका क्या नाम है? मूसा। मूसा, अच्छा, ये दोनों आपके बच्चे हैं? जी बेटे हैं। अच्छा, ठीक है। कब शादी हुई? 6 years ago, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। लाहौर से आप लोग? जी। कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस अच्छी है। बच्चों की तरफ मैं आऊँगी ज़रा, लेकिन मैंने कहा ज़रा बड़ों से भी पूछ लेते हैं कॉमन सेंस। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पे हम पैसे नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते? कुछ नहीं, ब्लड बैंक। नो आइडिया। सोचें। ब्लड बैंक नहीं, पैसे नहीं रख सकते। आई थिंक ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में भी तो पैसे जाते ही हैं ना कभी कभार। चलें एक और सवाल, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? ये तो है, वो ज़्यादा खाते हैं, बट क्यों खाते हैं? होल्ड ऑन। नो बेटा, मूसा, होल्ड ऑन। चाइना के लोग ज़्यादा क्यों खाते हैं? डाइजेशन अच्छी होती है शायद, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं, अच्छा वैसे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करती हैं आप? वैसे घर पर ही होती हूँ मैं, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, और आप? मेरी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है, किस सेक्टर में? मैं हाई कोर्ट में। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्या सुनाओगे? Came the shark and tried the boulder in, and the itchy bitchy spider went climb the water spout. Very good, very nice. कौन सी क्लास में हो? Sleeping. Nursery में अभी. अच्छा ठीक है, तो आप कुकिंग कर लेती हैं? कुकिंग कर लेती हूँ या शादी से पहले कर लेती हूँ? शादी के बाद आपने जरा लगता है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। नहीं, ये अपनी मर्जी पे इन्होंने सीखा है। क्या इनमें अच्छी क्वालिटीज है, क्या बैड क्वालिटी है, क्या गुड क्वालिटी है? क्वाइट वेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है इसकी, और शी इज़ वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। और बुरी क्वालिटी बताए ना? गुस्सा।
अच्छा क्यों क्यों एंगर प्रॉब्लम क्यों होता है ज्यादा? जिससे मैं पूछती हूँ वो ये कहते हैं यार ये बस बीवियाँ जो होती हैं ना वो गुस्सा बहुत करती हैं। क्योंकि हस्बैंड्स करते कुछ ऐसे हैं कि गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप मुझे बताएं इनकी गुड क्वालिटी क्या है बैड क्वालिटी क्या है? नाइस क्वेश्चन। गुड क्वालिटी इनकी ये है कि ये ही इज़ वेरी मूडी, आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। गुड क्वालिटीज़ बहुत हैं इनमें कि ही स्पेंड्स अ लॉट ऑन अस एंड ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड और फैमिली को बहुत टाइम देते हैं, हैप्पी फैमिली ओरिएंटेड है टू मच। अच्छा ठीक है। बैड क्वालिटीज़ में इनका भी यही है कि ही इज़ वेरी मूडी, तो जब इनका मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, जब मूड नहीं अच्छा तो फिर कुछ अच्छा नहीं। क्या क्या किस बात पर मूड ख़राब होता है ज़्यादातर? कॉमन सेंस पे, मतलब लाइक कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं कि यार लॉजिकली, मतलब लॉजिकली चीज़ों को, मतलब ऑन द सिचुएशन ये चीज़ बनती है, बट आई थिंक कि गर्ल्स जो हैं या वो इस हवाले से ना थोड़ा सा होता है कि वो अपने मूड के हिसाब को, मूड को प्रेफर करते हैं रादर देन लॉजिक, दैट्स माई बिलीव। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो कहाँ कहीं घूमे आप, बाहर कहीं गए? हम लोग घूमे विद इन पाकिस्तानी घूमे, पाकिस्तानी घूमे। कौन सी अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में? क्या रिकमेंड करेंगी कोई अगर बाहर से कोई आता है तो वो कहाँ जाए? विद इन लाहौर, विद इन पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज में सवात वाली साइड बहुत अच्छी है, उधर ज़रूर जाना चाहिए। अब तो बड़ी अच्छी अच्छी वहाँ इग्लूज और इस टाइप की चीज़ें बन चुकी हैं, होटल्स, यू शुड गो एंड विजिट ओवर देयर। अच्छा, तो आप क्या वैसे क्या अच्छा बनाती हैं? बेकिंग कर लेती हैं? बेकिंग नहीं की अभी, देसी फूड और चाइनीज़, आई एम वेरी गुड एट चाइनीज़ एंड चाइनीज़। तो इनको क्या पसंद है खाने में? आलू गोश्त। और आप इन बताएं इनको क्या पसंद है खाने खाने में क्या पसंद है इनको? ये नहीं बताओगा? नहीं, मुझे चाइनीज ही पसंद है। चाइनीज पसंद है। चलें ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट आप रही है छोटे। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कपल से बात की, बड़ा प्यारा बच्चा था, उसने हमें पोइम सुनाई, और इसी तरह बड़े प्यारे लोग नजर आ रहे हैं, चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं। आइए व्यूअर्स साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बकार। क्या करते हैं? स्टडी करते। क्या पढ़ रहे हैं? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहाँ से? UCP। UCP से कर रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है? खास नहीं है, सो है। अच्छा, सवाल है हमारा ये कि वो कौन सा बैंक है जहाँ पे आप पैसे नहीं रख सकते? कौन सा ऐसा बैंक जहाँ पे पैसे नहीं रख सकते? कौन सा दिखता है? पूछे कॉमन सेंस। चलें दूसरा सवाल, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा कैसे खाते हैं? कैसे कहते हैं? जब उनको भूख लगती है डेफिनेटली। नहीं, ज़्यादा क्यों खाते हैं वो? ज़्यादा क्यों खाते हैं? नौ। हिंट दूँ आपको? जी, हिंट ये है, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? हाँ, उनकी आबादी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा खाते हैं। चलें बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा ज़रा हिंट दे दें, थोड़ी हेल्प कर देते हैं आपकी। और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करना पसंद है? और स्टडी के अलावा स्पोर्ट का गेम शौक है। क्या गेम खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट का शौक है। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा आपका? बाबर आजम। वेरी नाइस, सबको बाबर आजम ही। अच्छा, तो वो तो हमने सुना है कि कोई लॉबी बनाई हुई है उन्होंने। नहीं, कैसी लॉबी? मतलब अच्छी टीम बन रही है। इस दफा लोगों ने कहा कि नहीं भाई, शोएब मलिक को होना चाहिए था। हाँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, होना चाहिए था उसको, होना चाहिए था, था। आप शक में है कि शोएब मलिक को होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए था, लेकिन अगर देखा जाए तो शोएब मलिक खुद ने, उन्होंने आउट हो गए थे क्रिकेट से, देख तो अगर टीम में रहते तो फिर डेफिनेटली उनको आना चाहिए था। अच्छा चले ठीक है, कुछ सुनाएं? थोड़ी बहुत नाथ सुना दूंगा। नाथ पढ़ेंगे, चले। सोने जया आका जया जग विच आया ही नहीं, आप जया रब ने बनाया ही नहीं, हसीन बड़े बड़े ते जमील वेखे ने, लेके अल्लाह कोलो सच्चा दीन वेखे ने, सोहने जया आका जया जग विच आया ही नहीं, आप जया रब ने बनाया ही नहीं, सिफत इंज अनस ने बयान कीती है, सोहने दी मैं सेवा 10 साल कीती है, ओना कदी झिड़किया दबाया ही नहीं, सोहने जया आका जया जग विच आया ही नहीं। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात आपने पढ़ी, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से ये गिफ्ट आम, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा कि एक सवाल का जवाब भी हमें मिल गया और जो है वो नात भी उन्होंने बड़ी प्यारी खूबसूरत पढ़ी। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वेट करना है, स्टे विद मी। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़े प्यारे क्राउड में लोग नजर आ रहे हैं। चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं, उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल क्या करते हैं? एक्चुअली मैं तो फारिग ही रहता हूँ, मेरे वाल साहब भी बिजनेस करते हैं, मेरे भाई बड़े। अच्छा, वाल साहब करते हैं, मेरे सपोर्ट है, तो आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं? बस खर्चा पानी ले लेते हैं जितना चाहिए हो, खर्चा पानी ले लेते हैं, ले लेते हैं। खुद काम नहीं करते, शौक नहीं है कि बस भाई और अब्बू के सहारे पे रहने? ऐसे ही रहेंगे, उनसे ले लेंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे। कहाँ से, कहाँ के रिहायशी हैं? लाहौर कहना के। लाहौर कहना के रिहायशी हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि क्या सुनाएंगे। वैसे मैं पहले आपसे सवाल कर लेती हूँ। सवाल हमारा ये है कि कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पे आप पैसे नहीं रख सकते? जहाँ पैसे नहीं रख सकते, कौन सा ऐसा बैंक है? चाइना पावर बैंक। मुझे लगता है कहीं से मदद हुई है, इर्द गिर्द से कहीं जवाब मिला है ना? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या सुनाएंगे आप? जो कहेंगे मैं सुना। क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे, शेर शायरी करेंगे, क्या करेंगे? सुना देता हूँ, शायरी सुना। चंगी लगे मारी लगे, चंगी लगे मारी लगे, मियाँ साहब कहते ने दिहाड़ी लगे, पी बैठा वा भंग दरबारों, पी बैठा वा भंग दरबारों, ते घर दी थरी भी पहाड़ी लगे, इसे लिए मैं गल नहीं करता, गल भी मेरी कुहारी लगे। ओ आखन हरियाली बहु कौन है, फसल भी खान साहब दी उजारी लगे, हर कोई जानता है मियाँ सिपाही नू जरा शक्लो थोड़ा उनारी लगे। वाह जी वाह, मारी लगे, जबरदस्त। और कोई शेर शायरी आती है और कुछ सुनाए? फिलहाल तो इतनी प्यार मोहब्बत पर इतना मेरे अंदर दर्द नहीं आया अभी। अच्छा, अभी दर्द नहीं है? शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी का इरादा है आगे? नहीं नहीं, जिंदगी जी रही हूं, करवा के फंसना ही है। शादी करा के बंदा फंसता है तो और क्या होता है, मेरा नहीं ख्याल। एंजॉय करे बंदा बीवी के साथ, एंजॉय कर ले। अब तो अपने खर्चे हैं, वहां में बीवी के भी खर्चे और सारे मामला। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। और वैसे क्या एक्टिविटीज होते हैं, क्या करने का शौक है? फिलहाल तो घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग। कहाँ कहाँ गए हैं? अभी तो मैं अरान अराग से पीछे ज्यारतें करके आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ने ये पीछे माइंड बनाया था कोरोना से पहले का, उमरा करने का, लेकिन वो कोरोना आ गया। अल्लाह पाक आपको बुलाए उमरा के लिए, बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, थैंक यू। आपने देखा इन्होंने जो है वो शेर व शायरी करने की कोशिश की, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं क्राउड में और उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ फरूक। क्या करते हैं? I'm an ACCA qualified chartered accountant। अच्छा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाहौर से हैं आप? जी लाहौर से ही हूँ, I'm from Ireland, हॉलीडेज पे आया हूँ। अच्छा हॉलीडेज पर आए हैं, ठीक है। शलवार कमीज आपने पहनी हुई है, पहनाई गई है? पहनाई गई है, है ना? अच्छा ठीक है, चले सही है। मुझे बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है, गुजारे लाइक है, एवरेज एवरेज है। आप मुझे बताएं कि चाइना के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा कैसे खाते हैं? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। क्या सुनाना चाहेंगे, क्या शेयर करेंगे? मैं बाबा बुल्ले शाह का शेर है एक, वो शेयर करना चाहूँगा। सुनाएं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, सिरते टोपी ते नीयत खोटी, की लेना सिरते टोपी धड़के, तस्बी फिड़ी पर दिल ना फिड़िया, की लेना तस्बी हाथ विच फड़के, चिल्ले कट्टे पर रब ना मिलिया, की लेना चिल्लिया विच वड़के, ओ बुलिया जग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ करके। वाह जी वाह, जबरदस्त। लाहौर न्यूज की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर, ये ले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि बाबा बुल्ले शाह की उन्होंने थोड़ी सी शायरी हमें सुनाई, आई होप आपने एंजॉय की होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नरमीन। आपका? आयशा। आयशा थोड़ा मास्क तो उतार ले,
नाम है नरमीन आयशा नरमीन आपका नाम है अच्छा नरमीन क्या करती हैं मैं स्टडी करती हूँ क्या पढ़ी हो सेकंड ईयर और आप मैं एफए किया है मैंने एफए किया है अभी अच्छा दोनों बहनें हो जी आप छोटी वो बड़ी है ना पता लग रहा है तो मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है सवाल कर लूँ जी कर वो कौन सा बैंक है जिसमें आप पैसे नहीं रख सकते पावर बैंक पावर बैंक ऑब्वियसली क्या तो ये मैंने जवाब कहीं बता दिए पता लग गया सवाल का ज़्यादा कॉमन था ये कॉमन था चले दूसरा सवाल कर लेती हूँ मुझे बताएं कि चाइना के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा कैसे खाते हैं ज़्यादा खाते ज़्यादा भूख लगती होगी नहीं देखा फंसी ना नो आइडिया क्या शेयर करेंगी क्या सुनाएंगी मैं कुछ भी नहीं गाना नहीं सुनाएंगी नहीं आप भी कुछ नहीं सुनाएंगी गाना नहीं सुनाएंगी कोई याद ही नहीं कोई गाना कुछ भी आता हो कुछ भी नहीं फिलहाल तो कुछ भी नहीं फिलहाल क्या शौक है क्या एक्टिविटीज होती हैं मैं व्लॉग्स बनाती हूँ यूट्यूब पर अच्छा तो आपको थोड़ा सा गुनगुनाना चाहिए आप बस आजकल व्लॉगिंग का नरमीन का है तो उसी में हेल्प करती हूँ उसके साथ हेल्प करती अभी क्या करने आई मैं लिबर्टी शॉपिंग विंटर स्टार्ट हो गया तो उसके लिए शॉपिंग करनी है हाँ जी तो रात को क्या ठंड लगती है या गर्मी लग रही होती है अभी तो हम कंफ्यूज ही होते हैं चादर लें या ना लें जी अभी तो सर्दी नहीं लग रही अभी नहीं लग रही रात में तो हो जाती है अब ठंड हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता बस थोड़ा बहुत वेदर चेंज हो रहा है कुकिंग कर लेती हैं आप नहीं आप थोड़ी बहुत क्या बना लेती हैं अच्छा मैं इस वक्त तो आजकल वो फ्राइज बन रहे हैं और एग फ्राइड राइस और चिकन बन जाता है ज़्यादा रेसिपी है आपके पास जो आप शेयर करें इतनी अच्छी कुकिंग नहीं है मेरी मामा बनाती हैं खाना मामा तो सारी चीज़ें ही अच्छी बनाती हैं सब ज़ाहिर है अमियाँ तो अच्छी बनाती हैं चीज़ें लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर लाइन जी पकड़ाएं थैंक यू सो व्यूअर्स आपने देखा कि बड़ी प्यारी दो बहनें थी हमने उनसे बात की और आपने भी आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे क्राउड में बड़े खूबसूरत और भी लोग नज़र आ रहे हैं शॉपिंग के लिए मसरूफ़ हैं क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो लोगों ने कहा चलो विंटर की शॉपिंग कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वाल शाम क्या नाम है आपका जी सैयद शाम सरदार आपका अनवारुल हसन क्या करते हैं हमारा जिम्मेदार है हम वही करते हैं कहाँ से हैं डिस्ट्रिक्ट जो है पाड़ा है तहसील दीपालपुर और सिटी हमारा जो है बसीरपुर सिटी है और आप जी सिटी बशीरपुर से हम और क्या लगते हैं आप दोनों आपस में हम बहुत अच्छे भाई और बहुत अच्छे दोस्त हैं अच्छा नहीं आप सगे भाई हैं नहीं हम दोस्त हैं हम भाई हैं की तरह लेकिन हम दोस्त हैं अच्छा वो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स जो हाँ जी हाँ जी अच्छा ओकाड़ा की मशहूर चीज़ क्या है हमारे दीपालपुर में तो हमारा जिमीदारा बहुत मशहूर है चूँकि जैसे गंदम है आलू मक्की बहुत है हमारे पास होती है मैं पूछ रही हूँ कोई खाने पीने की चीज़ क्या अगर बंदा कभी ओकाड़ा आए तो उसको क्या खाए पिए वहाँ क्या मशहूर राइस बहुत मशहूर है राइस मशहूर है ठीक है तो आप मैरिड लग रहे हैं जी, मैरिड हैं जी मैं चले सवाल कॉमन सेंस का सवाल है कैसी है कॉमन सेंस हम जिम्मेदार लोग हैं कोई खाने पीने या कोई वैसे जिम्मेदारों के ताल्लुक है लेकिन हम कॉमन सेंस पूरी होती है हमारी आपको पता है चले मुझे ये बताएं कि वो कौन सा बैंक है जिसमें आप पैसे नहीं रख सकते वाइफ ओह नो नहीं बैंक है बैंक माइक्रोफाइनेंस बैंक में तो नहीं रखने चाहिए जो छोटे बैंक होते हैं कारोबारी लिहाज से एक कॉमन सेंस वाला सवाल है जरा सोचने वाला कि वो कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें आप पैसे नहीं रख सकते कुछ भी नहीं रख सकते टेलीनॉर बैंक आई डोंट नो आपको नहीं पता नहीं कुछ शेयर करेंगे आप कुछ सुनाना चाहेंगे नहीं 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 इस आप कुछ सुनाना चाहेंगे कोई शेर व शायरी का शौक नहीं फिलहाल तो नहीं आप कुछ भी नहीं सुनाएंगे नहीं, नहीं, नहीं। शेर आपको एक सुना देते हैं शेर सुना दें बिछड़ के हबीब मेरे मुझसे उदास होना तो लौट आना अकेलेपन के बाहर रहते ना कट सको तो लौट आना कौन मनाएगा तुम्हें पराए देशों में सवाई मेरे यूं ही किसी से लड़ाई झगड़े से रूठ जाना तो लौट आना अकेले भाई क्या बात है जबरदस्त हसीन मिजाज लोग हैं इनकी दो शादियां हैं बेसिकली दो शादियां हुई नहीं एक ही फिलहाल नया दोस्त हूं यार राज खोल रहे हैं अब कहीं बंदा एनजी से दोस्त होए तो दुश्मना की जरूरत नहीं है ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है असल में मैं भी दूसरी करवाने के चक्कर में हूँ तो इसलिए मैं पहली तो कर लें मैं तो कह रहा हूँ कोई पब्लिसिटी करें कोई देते ही नहीं रिश्ते नहीं कोई दे रहा फिलहाल मैं तो आपको कह रहा हूँ ऐसे कोई भी नहीं देगा रिश्ता चले थैंक यू लाहौर न्यूज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जी
थैंक यू सो मच। फिर आपने देखा कि हमने इनसे बात की, बड़ी खूबसूरत शायरी इन्होंने भी सुनाई और बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं लिबर्टी मार्केट में। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और उनकी तरफ उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। मोमिना। क्या करती हैं? हाँ, एंकरिंग जॉब कर रही हैं। आप भी एंकरिंग करती हैं? और आप? मैं होस्टिंग करती हूँ। मैं भी वो भी एंकरिंग का शौक है और इंटरव्यू भी देने का शौक है। आप मुझे बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस बस ठीक ही है मेरी है। अच्छा, वैसे स्टडीज़ क्या की हुई हैं दोनों ने? मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। और आप? मैंने BA के पेपर देने और मैंने CSS करना है इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पे आप पैसे नहीं रख सकते? कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ हम पैसे नहीं रख सकते? मामा का बैंक। मामा का बैंक कौन सा होता है? मामा की एक, आपको पता है, छोटी सी एक वो सीक्रेट जगह होती है, अगर वो पता चल गए वहाँ पे नहीं रखना भाई मामा का। और सब अगर अपने पैसे घर पे आप कहीं भी रखोगे ना, वो उठाए जाते हैं। चलें ठीक है, मैं फिर दूसरा सवाल कर लेती हूँ, उसका तो जवाब मुझे नहीं मिला, गलत जवाब हो गया। दूसरा सवाल हमारा ये कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? चाइना के लोग पाकिस्तान से ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? इसका मुझे कॉमन सेंस। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा खाना खाते हैं? नहीं नहीं, आई डोंट नो। नहीं? हाँ नहीं नहीं, आई थिंक। क्या सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे? जी श्योर। क्या सॉन्ग सुनाऊंगी? ओके ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एक सॉन्ग पसूरी वायरल हुआ था, ठीक है, वो ही मैं गाना चाहूंगी। ठीक है ठीक है। भूल गई मजबूरी नू, दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बथेरा, पूरा कर जरूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा दे सहारा, ख्वाहिशां दी अधूरी नू, वारी में जावा मैं तेनू बुलावा, गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी, तेनू खबर किवे होवे, आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे। दैट्स इट। बहुत अच्छा आपने गाना गाया, सुर लगाने की कोशिश की। आप कुछ गाएंगे? मैं कुछ भी नहीं गाऊंगी, मेरे हिस्से का मेरी सिस्टर ने गा लिया है। अच्छा, आप दोनों बहनें? यस। छोटी कौन है, बड़ी कौन है? आपको क्या लग रहा है? ये छोटी लग रही है, आप बड़ी लग रही है। सही है। सही है ना? हाँ देखा, अच्छा गैस कर लिया मैंने जी। तो आप दोनों में से तंग कौन करता है? मुझे लगता है कि मैं करती हूँ ज्यादा, और मुझे लगता है मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग तीन बहनें और एक भाई। छोटी बहन का, इससे छोटा पीस कहाँ है? इससे छोटा पीस घर पे है। और उससे छोटा पीस है वो 4 साल का भाई मेरा। अच्छा, वो तो बहुत छोटा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद हकान। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आप इसमें सीक्रेट बातें भी शेयर करती हो, कपड़े शेयर करती हो? एग्जैक्टली करती हूँ जी जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं अभी नया सूट ले आई थी, टैग लगा तुमने पहन लिया? यार मैं करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जो मेरा नया सूट हो ना पहले मैं पहन लूँ फिर तुम पहनोगी। यार इतना तो होना चाहिए ना, मतलब टैग लगा सूट बंदा खुद तो पहले पहने। जो पसंद का है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये टैग लगा सूट पहने, लेकिन जाहिर सी बात है पहने चलता है। लेकिन ये चोरी चोरी पहन लेती है और मुझे पता नहीं लगता, अगर मैं घर पे ना हूँ ये पहन के चली जाती, फिर जब आती है ना फिर मुझे पता लगता है कि ये मेरा सूट पहन के गई। वो कैसे पता लगता है? तस्वीरों से पता लगता है। तस्वीरों से पता लगता है, और जब ये घर आती है ना और फिर मुझे पता लगता है ये तो मेरा सूट पहन के गई थी, और फिर मैं इससे लड़ती हूँ। अच्छा, अभी दोनों के आगे क्या प्लान्स हैं? एंकरिंग ही कर रही हैं? नहीं, मैंने तो CSS करना है। और आपने? इंशाल्लाह मेरी जो बीट चल रही है एंकरिंग की वही लेके चलूंगी। वही करेंगी? अच्छा ठीक है। एक्टिंग भी इंशाल्लाह। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे मोस्टली बिरयानी पसंद है। आपको? सेम। वेदर कौन सा पसंद है? अब तो सर्दियाँ आ गई है ना। सेम, विंटर बहुत पसंद है। विंटर? विंटर यार मैं लगता है मैं वाहिद लड़की हूँ जिसको विंटर नहीं पसंद होगा। आपको क्या पसंद है? गर्मियाँ। गर्मियाँ पसंद है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप खुल के रहते हैं, सर्दियों में आप बहुत कंपोज्ड हो जाते हैं, ठंड लग रही होती है बाहर नहीं निकल पाते, मुझे ये फील। जितने भी हमारे पाकिस्तान के मौसम है, जाहिर सी बात है 4 मौसम है, तो वो अपने अपने तरीके से इंजॉय करने का अपना अपना स्टाइल होता है, और हर एक के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप कौन से वेदर को पसंद। ऐसे क्या हॉबीज हैं, क्या करना पसंद है? सबसे पहले मैं बुक रीडिंग बहुत करती हूँ, बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है। वेरी गुड। और मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक, अच्छा। मुझे लगा शायद अभी कहेंगी मुझे रैंप वॉक करना बहुत पसंद है। नहीं, मुझे ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ट्रैवलिंग का? कहाँ कहाँ घूम लिया हुआ है अभी तक? अभी तक तो मैं लाहौर में ही हूँ, अभी मैं कहीं बाहर नहीं गई, बस लाहौर में ही। ये तो नहीं, हम पापा कहते होंगे अब जहाँ जाना शादी के बाद जाना?
नहीं, पापा मामा के साथ भी चले जाते हैं, खुद भी चले जाते हैं, लेकिन पापा कहते हैं, मामा पापा कहते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ जाना ज्यादा बेहतर है। तो अभी तो हस्बैंड दूर दूर तक नहीं होगा, दूर दूर तक है, बहुत दूर दूर तक है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी चुलबुली सी लड़कियां थी, बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके, और लिबर्टी में इसी तरह बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं, चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वेट करना है, स्टे विद मी। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों से कह रहे हैं सवालात, मज़ेदार बातें, तो आगे बढ़ते हैं और क्राउड में चल के लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा। आपका? अरसलान। क्या करते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर? हाँ जी। ओके, कहाँ होते हैं? मैं शेख जायद में होता हूँ। आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। ये मुझे लगता है डॉक्टर डॉक्टर से ही शादी करते हैं। मेरा भाई है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे पूछना चाहिए। डॉक्टर है। अच्छा, आपके देखा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, आपने भी डॉक्टर ढूंढनी होगी। हाँ जी, कुछ ऐसे ही। यकीनन, क्यों ऐसा क्यों है? बाकी लड़कियाँ मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग शायद बेहतर होती है। अंडरस्टैंडिंग कैसे? वैसे क्या इसमें राज क्या है? आपने जाहिर, आपके भी हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या लॉजिक क्या है इसकी? असल में सेम फील्ड से होते हैं ना आप, तो आपकी एक्सपीरियंसेस सिमिलर होते हैं और आप ज़्यादा लेवल्स पर रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर आप एक दूसरे की रूटीन को भी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। जब मेरे ड्यूटी आवर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। मतलब कि कोई भी कपल अगर कोई है जो शादी में इंटरेस्टेड है तो अपना फील्ड का बंदा ढूंढे, कोई लड़की भी या लड़का भी? नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। मतलब मेरी भाभी डॉक्टर है, दूसरा मेरा भाई डॉक्टर नहीं है, मतलब इट डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर, लेकिन अगर हो जाए तो इट्स इवन बेटर। अच्छा, मुझे लगता है आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर्स ही हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। आप भी डॉक्टर ही बनना चाहती हैं? हाँ। आप भी? हाँ जी। ठीक है, ज़बरदस्त। कॉमन सेंस कैसी है दोनों की? ज़ारा ही है। चले, मुझे ये बताएं कि बड़े इजी से सवाल है कि चाइना की जो लोग हैं, चाइना के लोग, वो पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों खाते हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों खाते? कॉमन सेंस का बस दे रही हूँ, जरा सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पे आप पैसे नहीं रख सकते? रिवर बैंक? नहीं। ओह नो, इसी तरह का कोई बैंक है जहाँ पर आप पैसे नहीं रख सकते। अच्छा, आपका क्या नाम है? हाशिम। और ये बोलते हैं? What's your name? तैमूर। आप क्या सुनाओगे, कोई पोइम सुनाओगे? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up the bus I like a diamond in the sky। बस फटाफट सुना दिया, जल्दी जल्दी सुना दिया। क्लैपिंग जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। मुझे ये बताएं कि ये आपका बेटा? हाँ जी। दोनों आपके बच्चे हैं? हाँ जी। इन्होंने भी डॉक्टर बनना होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने बड़े होके क्या बनना है? आर्मी में जाना है। वहाँ पे भी जाके मुझे लगता है डॉक्टर ही बनना है। नहीं, आर्मी में जाना है। ठीक है, वेरी गुड। लाहौर न्यूज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आप कुछ शेयर करना चाहेंगी जाते जाते, कोई मैसेज? डॉक्टर ना बनाएं किसी को, ये मैसेज हमारी कोई बात नहीं मानता, लेकिन एक फर्स्ट हैंड स्पेशलाइजेशन आपकी? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट है, वाह भाई, बहुत पैसा कमाती होंगी आप मुझे लगता नहीं है। आजकल अगर आजकल कोई पैसा कमा रहे हैं तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, क्योंकि हर दूसरी लड़की को कोई ना कोई मेकअप की वजह से स्किन का इशू है। अब मुझे जाते जाते मुफ्त में आप कोई बता के जाएंगी कोई चीज हमारी जो खवातीन व्यूवर्स हैं कि वो क्या करें अपनी स्किन के साथ? क्या करें? बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं बहुत मेकअप करती हूँ, मुझे मेकअप करना पड़ता है फील्ड में, तो जो मेरी तरह और भी लड़कियाँ वो क्या करें, एक्नी से कैसे बचें, पिगमेंटेशन से कैसे बचें? अच्छा, एक तो ये कि हाइड्रा फेशियल आप लोग रेगुलर लो, ठीक है, रादर देन द फेशियल जो आपको ऑफर होता है एट पार्लर्स। पहली बात, पोर्स को अपने साथ क्लीन करो, पोर्स साइज आपका इवेंचुअली इंक्रीज जाता है जब आप मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आपका मेकअप आपके पोर्स के अंदर बैठता जाता है ओवर टाइम पोर साइज इंक्रीज जाता है, विद एज वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो डबल क्लेंजिंग से मेकअप उतारना, दैट इज़ नॉट अ रूटीन जो हम नहीं करते, मैं भी नहीं करती। ओके, वन मोर क्वेश्चन, कि एक टाइम पीरियड होता है एक एज का, लोग कहते हैं कि अभी ये एज है इसकी वजह से आपको ये पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रही हैं, तो आप कुछ ना करें, तो ऐसा होता है, नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज एक्ने अगर आपको स्कार
करती है ना तो फिर वो लेजर्स और पीआरपी के बगैर जाता नहीं है स्कार, स्कार परमानेंट हो जाता है, हाँ एक्ने कंट्रोल हो जाती है, स्कारिंग कंट्रोल नहीं होती, तो फिर इसलिए उसको जरूर ट्रीट कराना चाहिए, ट्रीट करवाना चाहिए। चलें ठीक है, हमें मुफ्त में आपसे जो है वो जरा थोड़ी सी चीजें ले ली, आपको फीस नहीं आपकी पे करनी पड़ी। सूरज में सनस्क्रीन यूज करें फोटो एजिंग से बचने के लिए, ब्लॉक तो यूज करना चाहिए, वो तो मैं भी हर एक को कहती हूँ जो स्पेशली मेरी फील्ड के, फॉर एवरीवन नॉट जस्ट गर्ल्स, हर बंदे को यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर योर टाइम, लाहौर न्यूज की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू। आपने देखा कि हमें डॉक्टर फैमिली मिल गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान आरिफ। क्या करते हैं? मैं बीबीए करता था, वो छोड़ दिया, बीए करता हूँ। बीबीए क्यों छोड़ा है? बस वो किसी वजह से छोड़ना पड़ा, मैं बीए कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या एक्टिविटीज होती हैं? साथ फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ, उस तरफ फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, मतलब यानी कैरसेल कलेक्शन के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी आपने एट दी एंड सोचा कि हमें बिजनेस करना चाहिए? नहीं, बिजनेस का मुझे शुरू से शौक था, क्योंकि मैंने बीबीए किया ही इसलिए था, फोर्थ सेमेस्टर के बाद मैंने स्किप किया, तो ये बस फिर मैं बीए इसलिए कर रहा था कि मैं मास्टर्स या पीएचडी तक जा सकूं। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछती हूँ आपसे सवाल। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें हम पैसे नहीं रख सकते? वो कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें हम पैसे नहीं रख सकते? बैंक बुक्स गल्ला? Oh, no! नहीं, इसमें रख इसमें पैसे, उसमें पैसे ही तो रखते हैं, रख सकते हैं। बैंक, बैंक को कौन सा बैंक इसमें? कॉमन सेंस सोचें, इतना मुश्किल बैंक पता भी, ये भी नहीं कह सकता अलहबीबिया, ये इस तरह का बैंक। चलें कुछ शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगे? सुनाने से पहले मैं एक तो बड़ी, आज मैं दुखी बंदा, आज मैं दुखी हो क्या है? दुखी क्यों, क्यों क्या, किस बात का दुख है? आप मुझे बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है? मुझे 3 साल पूरे हो गए टिकटॉक बनाते हुए और मुझे अभी तक ना वायरल नहीं किया, और मुझे मुझे ये समझ नहीं आती, ये मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पे ये क्यों लड़के कहते हैं, ये लड़कियां कहती हैं बहुत अच्छी वीडियो है, नाइस फैबुलस, तू भाई फ्यूचर एक्टर है, तू भाई टिकटॉकर है, तू बहुत आगे जाएगा, क्यों मुझे झूठियाँ तसलियाँ देते हैं? जब टिकटॉक पे मुझे वायरल, मैं यकीन बनाऊँ 2 साल से मेरे 4,000 फॉलोअर्स फंसे हुए हैं, सिर्फ लाइक्स बढ़ रहे हैं, वो भी आप अपना कंटेंट थोड़ा चेंज करके देखें। मैंने कंटेंट में एड़ी चोटी का जोर लगाया है, मैंने इतने सिटियां लगाई है ना कंटेंट में। तो फिर हम, मैं अक्सर टिकटॉकर्स से ये पूछती हूँ कि मतलब क्यों इजी मनी क्यों चाहिए, मतलब वाई हर बंदा क्यों वायरल होना चाहता है? आप काम करें, आप पढ़ाई अच्छे कर रहे हैं, तो आप मेहनत करें, जरूरी आप बस एक क्लिक की देर है कि भाई आप वायरल होना चाहते हैं, व्हाई? देखिए ना, हर कोई चाहता है मैं वायरल हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वायरल, हर कोई क्यों चाहता है ये मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं हर कोई वायरल होना क्यों चाहता है? हर कोई चाहता है उससे ना लोग जाने, उसको लोग पहचाने, जिससे आप आप आई हैं आपको सारे देखेंगे, इतने फैन फॉलोइंग आपके, आगे लोग सेल्फीज लेने आ रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ मैं जाऊँ, सारे मुझे देखे, मेरे पोस्टर लगे हो, मेरा शूट हो रहा हो, यानी कि ना क्रेज शौक है आपका। हाँ शौक है आप, एक तो मैं आपको बात समझाऊँ कि जब जब सुन लें आप देखें, जब आप किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो चीज़ आपसे और दूर भागती है, तो आप इस चीज़ के पीछे मत भागें, मेरा आपको पर्सनली मशवरा ये है। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाएंगे अपने इस दुख में? इस दुख में दुखी गाने सुना देता हूँ। चलें सुनाएंगे। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में अचानक ला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में अचानक ला, बस इतना सही आता है। चलें वेरी गुड, ये वैसे दुखी गाना तो नहीं था, ये तो किसी के आने की खुशी में गाना होता है कि तुम आए तो आया मुझे याद। तो ये मैं उसकी गाने की खुशी में गा रहा हूँ कि शुक्र अल्लाह का मैं ग्रेजुएशन में दोबारा आ गया हूँ, क्योंकि मुझे वेरी गुड। देखिए स्टडीज इज इम्पोर्टेंट, स्टडी मैं शुरू से इम्पोर्टेंट रखता हूँ, मुझे स्टडीज का शौक है, पीएचडी एमफिल तक जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का लग रहा है, दुआ करें बस। बोलते बहुत ज्यादा है आप, ये बोलने का शौक है, बोलने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है बहुत ज्यादा, अभी अभी कहाँ गए? इस्लामाबाद से वापस आया हूँ, हफ्ता पूरा घूम के वापस आए, चले जबरदस्त। क्या नाम है? 2 मिनट मेरी बात सुनो, 2 मिनट कहकर उनको 1 घंटा लगाया था, पर वो मैं चुप नहीं करता, बाद में उनसे सॉरी भी कह रहा था, यार 2 मिनट चुप कर जा, यार 2 मिनट, वो मुझे कहते 2 मिनट चुप कर जा, चुप कर जा, मैं कहता यार आखिरी बेस्ट फ्रेंड है आपका कोई? ज्यादा नहीं बनाए हुए, बस 1-2 है। क्या नाम है बेस्ट फ्रेंड का? अबू बकर नाम है उसका, और तो जब मुझे दूर हो गया, पहले सासर रहते थे, अब अलग अलग हो गए हैं। चलें जबरदस्त, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैंपर ये लीजिए, मुझे ये बोलने के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा कि इतने लोग भी बातूनी होते हैं और इनको दुख ही है कि वो वायरल नहीं हो पा रहे, तो मेरा भी यही सवाल है कि क्यों लोग वायरल होना चाहते हैं? तो जब आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आएगी। व्यूअर्स प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, आज हमने जो लोकेशन चूज़ की थी वो थी लिबर्टी मार्केट, जहाँ पर बड़े खूबसूरत और प्यारे लोग मुझे मिले, जिनसे हमने की बड़ी मज़ेदार बातें, इंटरेस्टिंग बातें हुई और फ़न भी हुआ।
कुछ टंग ट्विस्टर भी हमने करवाए, सवाल हमने किए। तो इसी तरह की हम इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, जो हमें सवाल का जवाब दे दे उसको हम देते हैं गिफ्ट हैम्पर, और जो ना भी दे वो भी हमें गिफ्ट हैम्पर हम उनको दे देते हैं। तो इसी तरह हम आपको भी गिफ्ट हैम्पर देखना चाहते हैं, जो मेरे बड़े प्यारे खूबसूरत व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप हमें देख रहे हैं इस वक्त टीवी पे, आप इस जगह पे मौजूद नहीं है, तो गिफ्ट हैम्पर आपको भी मिले। तो इससे पहले मैं आपको सवालों के जवाब देती हूँ जो कि आज हमने लोगों से किए। सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पे आप पैसे नहीं रख सकते, तो उसका सही जवाब है पावर बैंक, क्योंकि यही ऐसी जगह है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जरा सोचना है, जरा कॉमन सेंस आपने लड़ानी है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि चाइना के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा कैसे खाते हैं, तो उसका सही जवाब है कि चाइना के लोगों की आबादी जो है चाइना की वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, तो ये इसके सही जवाब है। अगर आपके पास कोई मज़ेदार पहेलियाँ हैं या कुछ आइडियाज़ हैं जो आप शेयर करें कि मुझे ये प्रोग्राम में थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो डोंट बी शाय, आप मुझे कुछ भी इंस्टाग्राम पे मेरे फीडबैक दे सकते हैं मुझे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में हाजिर होंगी नई लोकेशन के साथ, नए लोगों के साथ, प्यारे लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।